नमस्कार प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। तीसरी लहर, पहली लहर आई थी जो कि 2020 खत्म हो गया, काफ़ी लोगों को दिक्कत आई। 2021 में जो दूसरी लहर आई अप्रैल मई जून में, अब कुछ कम हो गया है। अब जिस हिसाब से कमी हुई है, लेकिन अभी भी तीसरी लहर का अंदेशा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि तीसरी लहर जिसमें कि अपने साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने WHO ने जो बातें बताई हैं, उसमें ये कहा गया है कि इसमें शायद बच्चे को ज़्यादा संक्रमित हो। ऐसी अभी नई रिपोर्ट आई है कि शायद बच्चों को नहीं संक्रमित, ज़्यादा नहीं होगा। अगर होगा भी तो उनकी इनका इतना ज़्यादा एंटीबॉडीज डेवलप होता है, इम्यूनिटी होती है, उनको दिक्कत नहीं आएगी। ये तीसरी लहर क्यों आएगी? ऐसा है कि इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। WHO ने 4 वेरियंट के बारे में बताया है, उसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। जो भारत का वेरियंट है, मतलब भारत से जो ओरिजिन हुआ, जिसको कहते हैं वेरियंट ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसको डेल्टा और डेल्टा प्लस में जो 2 म्यूटेशन हुए हैं, और डेल्टा प्लस में एक म्यूटेशन जो बीटा में हुआ था वो उसमें हो गया है। तो इसमें देखा गया है कि ये इसमें दिस इज मच मोर हाईली कॉन्टिजुअस, और इसको इन्फेक्शन करने की क्षमता ज़्यादा है और साथ साथ विरुलेंस भी ज़्यादा है। तो डर इसमें लगता है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत क्या ज़्यादा लोगों को पड़ेगी, ये थर्ड वेव की आशंका है। अभी जो लेटेस्ट स्टडी आई है, उस बारे में आपको चर्चा करना चाहता हूँ कि जिसमें जिनको 2 वैक्सीन लग चुकी हैं, फाइजर की और साथ साथ जो दूसरी वैक्सीन लगी है फाइजर के अलावा, जो हमारी कोविशील्ड है जिसको ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनिका की है, उसमें ये देखा गया है कि अगर 2 डोज लग चुकी है तो 96% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी डेल्टा के इफेक्ट के, क्योंकि डेल्टा ही सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस रहा है जिसने वेव 2 में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है और काफ़ी लोग। तो अगर दोनों डोज लग चुकी हैं, इसी को देखते हुए अमेरिका, यूके में, इंग्लैंड में इसके 2 डोज का जो 12 हफ्ते का था प्लानिंग, वो करके अब 8 हफ्ते पे ही लगाना चाह रहे हैं कि सेकेंड डोज लग जाए। तो 2 डोज वैक्सीन की लगनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी वेव की आशंका जो महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने कहा है कि शायद 2-3 हफ्ते में आ सकती है, इसको देख के थोड़ा सा ये है कि हम लोग को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी भी हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हम पिछली बार कहते थे SMS, यानी कि सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसको अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरह हम बोलते हैं, वो रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बच्चों को संक्रमण होने की उतनी संभावना नहीं दिख रही है जितनी कि थोड़े दिन पहले बताया गया था कि जो तीसरी वेव आएगी उससे बच्चे सबसे ज़्यादा संक्रमित होंगे। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन, मैं चाहूँगा भारत सरकार से ये आग्रह करूँगा कि सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन, खासकर कोविशील्ड की, कोवैक्सीन की तो 4 हफ्ते में है, लेकिन कोविशील्ड की सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन को भारत सरकार के जो हमारे एक्सपर्ट कमेटी ने है उसके बेसिस पे कहा गया है कि अब 84 दिन के बाद लगेगी, यानी कि 12 हफ्ते बाद, उसको गिरा के 8 हफ्ता कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेकेंड डोज लग जाए। और ये पक्की बात है कि डेल्टा वायरस भी अगर सेकेंड डोज लग जाती है तो वो सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन इज हाईली प्रोटेक्टिव फॉर द पेशेंट्स जिनको डेल्टा वायरस से भी इन्फेक्शन होगा, यानी कि हम मृत्यु दर को रोक पाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन को कम कर पाएंगे, मृत्यु दर भी कम कर पाएंगे। और ऐसी कंडीशन में मैं चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्टडी आई है जिसमें कहा गया है कि 2 डोज वैक्सीन के बाद रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज मच लेस इवन विद डेल्टा वायरस, इसको देखते हुए हम ये चाहेंगे कि नहीं है। तो तीसरी वेव ना आए, लेकिन तीसरी वेव महाराष्ट्र सरकार ने जैसा कहा है, महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने, कि शायद आने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे थोड़े से केसेस बढ़े हैं और खास करके इंग्लैंड में भी केसेस कुछ बढ़े हैं, रशिया में भी केसेस बढ़े हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, उसका पालन करें, और साथ साथ सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन के बारे में भारत सरकार को रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल ऑन 17th ऑफ जून।